अरे बहुत मयंग मिंग है तो घर में है क्यों ना है रोमांचक मुकाबला है। दोनों ही टीम बिल्कुल फ्रेश ताजा अपना पहला मैच आज के दिन लचित एफसी के लिए दीपक जू की टीम की कैप्टन के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाते हुए जर्सी नंबर 10 अपने आप में अतिथियों का सम्मान हमारी संस्कृति में है और सम्मान समारोह में सबसे पहले निवेदन होगा श्री जगदेश गाड़ी जी से कि आप अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित हमारे ग्राम के प्रधान श्री जोसेफ गाड़ी को जी से किया अंग वस्त्र प्रदान कर श्री जोसेफ गाड़ी जी का सम्मान करें आदर सत्कार और इनको जोहार करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय मुखिया महोदय बनाम पंचायत के श्री कृष्णा लोरा जी। निवेदन होगा पुनः श्री जगदीश गाड़ी जी से मुखिया महोदय श्री कृष्णा लोहरा जी को अंग वस्त्र प्रदान कर इनका स्वागत इनका अभिनंदन सत्कार करें। अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा अनिमा टुप्पो जी आपसे निवेदन होगा कि आप सामने आए। 4S फुटबॉल क्लब आदर्श ग्राम बराम पंचायत की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी की ओर से ये अंग वस्त्र श्रीमती अनिमा टुप्पो जी के लिए। हमारे बीच है वार्ड सदस्य 3K श्रीमती ललिता कच्छप जी।
निवेदन पूरा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती ललिता कच्छप जी का सम्मान करें, अंग वस्त्र प्रदान करें। हमारे बीच वार्ड सदस्य के रूप में अनिता सुषमा तिर्की जी उपस्थित हैं। अनिता सुषमा तिर्की जी वार्ड सदस्य फॉरेस्ट फुटबॉल क्लब आदर्श ग्राम बनाम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुखिया श्री सुखराम लकड़ा जी हमारे बीच हैं। सुखराम लकड़ा जी अगर आप भी सुन पा रहे हैं तो आपसे भी निवेदन। दर्शकों भी ये शोरगुल बता रही है कि इस मुकाबले में ये होल्डबार के जाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक यहाँ पर न्यूज, लेकिन ये मैच में अभी काफी समय है। सेमीफाइनल बच्चू आप देख रहे हैं, दोनों ही टीमों में काफी दमखम है और जब तक मैच समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल जिस प्रकार की शुरुआत चाहती थी रांची क्लब रांची एफसी की टीम, वैसी ही शुरुआत मिली है। एक गोल से आगे है इस मुकाबले में। Thank you.
बहुत तेजी के साथ यहां पे दूसरी गोल की तलाश में रांची क्लब रांची एफसी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास किया इन्होंने। रेफरी की विसल, बचा लिया जीवन ने जान डाल के बचा लिया यहां पे। बहुत अच्छा फिनिश कर सकते शॉट, अच्छा हेडर यहां पे देखने को मिला था थोड़ी सी ऊंचाई के साथ। क्या गति और उछाल प्राप्त किया था ओटेगा, गोल पोस्ट के बाहर गए थे जीवन, लेकिन भाग्य के साथ यहां पे मिला। राइट फ्लैंक से अटैक करती हुई टीम लैचिंग एफसी हुडबार, राइट फ्लैंक से अटैक करने का प्रयास यहां पे बॉकी की तलाश में, वहां पे संघर्ष करते हुए बहुत अच्छा कंट्रोल यहां पे, अच्छा तालमेल ओटेगा और जेसी नंबर 11 ने आकाश दोनों मिलकर शिकार करते हैं। यहां पे मौका मिल सकता है, शॉट लगा है क्रॉस बार के नजदीक से की है। इस मुकाबले को जो भी जीतेंगे आरजे नामकुम के खिलाफ मैदान में होंगे। बहुत तेजी के साथ यहां पे संचय गेंद को आगे ले जाने का प्रयास करते हुए आकाश, दस नंबर की जर्सी में जूनियर है, विदेशी खिलाड़ी है रांची क्लब रांची एफसी के, मिडफील्ड में बहुत अहम खिलाड़ी हो सकते हैं कोटेगा। अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत पास यहां पे, नपातुला पास लालू, अच्छा तालमेल अभी तक देखने को मिला है। इज़राइल पांच नंबर जर्सी में जो कि डिफेंस के मौजूद है, फुटबॉल के खिलाड़ी सैदेश का यहां पे लंबा शॉट वहां पे मौजूद है, 17 नंबर की जर्सी में दिगंबर। राइट फ्लैंक से यहां पे क्रॉस देने का प्रयास होगा, अच्छा शॉट यहां पे लगा था, हेडर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे बॉक्स के अंदर, लेकिन वहां पे लाखू बारंटी जो कि गोलकीपर है, ओटेगा अपने साथी खिलाड़ी के लिए सुनील, ओटेगा यहां पे क्रॉस लेकर आए जरूर, लेकिन चलिए यहां पे एक खूबसूरत हेडर, आकाश लेकिन बहुत अच्छी तरीके से रोक, तो बहुत उम्दा रहा है इनके लिए ये टूर्नामेंट। अपने पहले मैच में उसके बाद क्वार्टर फाइनल के मैच में ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार बैक टू बैक दो मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड
लालू काफी दूर से ओटिका के लिए ये शॉट, कमाल का फिनिश। लीजिए बैक टू बैक यहां पे दो गोल, कमाल ही कर दिया है रांची क्लब रांची एफसी ने। इससे पहले में गोल देखने के लिए आए हुए दर्शकों के लिए ये मैच काफी खुशनुमा होगा। ऐसे ही किए थे तो सामो करेंगे देखो इजी है। कहाँ है से इनका स्वागत अभिनंदन और जोहार। अब निवेदन होगा बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बीच सहयोग श्री कल्याण टोपोजी के बाद विनम्र से आमंत्रित है श्री सिद्धार्थ मुंडा जी। सिद्धार्थ मुंडा जी से निवेदन हुआ कि आप समीप आए, आप सभी के सहयोग से ही बराम चैंपियन ट्रॉफी का भव्य आयोजन हो पाता है। सिद्धार्थ मुंडा जी हमारे बीच आ रहे हैं, हमारी कमेटी की ओर से श्री सिद्धार्थ मुंडा जी का स्वागत अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं हमारे सहयोगी में श्री घोषणर एक्का जी उपस्थित हैं। श्री घोषणर एक्का जी से निवेदन होगा कि आप समीप आएंगे। आगे बढ़ते हैं श्री सुनील कुजूर जी हमारे बीच हैं। श्री सुनील कुजूर जी से निवेदन होगा कि आप समीप आएंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी के सहयोग आप सभी के इसमें प्रेम प्यार और आशीर्वाद से ही बराम चैंपियन ट्रॉफी का भव्य रूप हम सब देख रहे हैं। श्री सुनील कुजूर जी हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत सम्मान। आगे बढ़ते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सत्यनारायण गोप जी। श्री सत्यनारायण गोप जी का विशेष योगदान रहा है यंग बस्त के साथ। सर का स्वागत अभिनंदन। आपसे निवेदन है कि आप समीप आए। आगे बढ़ते हैं हमारे सहयोगी में जिनका साथ मिला है जिनसे हमें हिम्मत मिलती है वो है श्री नंदा लकड़ा जी। श्री नंदा लकड़ा जी हमारे बीच है, आपसे निवेदन है कि आप समीप आए। हमारे सहयोगी में उपस्थित हैं श्री सुरेश महतो जी। श्री सुरेश महतो जी आपसे निवेदन होगा कि आप समीप आएंगे। श्री सुरेश महतो जी में सहयोग मिला है, छोटू भूदा जी से निवेदन है कि आप सामने आए। हमारे सहयोगी में अगला नाम है श्री सुनील प्रकाश गोप जी का। श्री सुनील प्रकाश गोप जी से निवेदन है कि आप समीप आए सामने आए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी की ओर से ये अंग वस्त्र प्रदान कर श्री सुनील प्रकाश गोप जी का स्वागत सम्मान आपके सहयोग के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सहयोगी के रूप में अगला नाम है श्री बजरंग गोप जी। श्री बजरंग गोप जी
हमारे सहयोगी में अगला नाम है जिन आगे बढ़ रहे हैं हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं श्री मोहन गोप जी। श्री मोहन गोप जी से निवेदन होगा कि आप समीप आएं। श्री मोहन गोप जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। श्री बजरंग गोप जी बजरंग जी से निवेदन होगा कि आप सामने आए। सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच आप देख रहे हैं और दो गोल से पीछे इस मुकाबले में लेजेंड एफसी कोटद्वार की टीम और इस मुकाबले में बहुत आगे तो निकल गए हैं लेकिन अभी भी लेजेंड एफसी कोटद्वार की टीम मौके की तलाश में अगर किसी तरीके से एक गोल आज जाता है तो पूरी टीम तैयार रहेंगे। इसी मैच के बाद अगले कुछ ही समय के बाद हौजी का खेल होगा। आप सभी टिकट और पेन के साथ तैयार रहें और हौजी के खेल के बाद फाइनल का मैच। पांच मिनट है ना। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ग्राम पंचायत के माननीय मुख्य महोदय श्री कृष्णा करवाली जी, हमारे सहयोगी जिनका साथ हमेशा ही मिलता रहा है और हमारे इस मंच से हमारे इस आयोजन से इनका स्वागत सम्मान और अभिनंदन बहुत बहुत आपका आभार दिल से आप सभी का। आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाता है। Thank you.
प्रकाश तिर्की जी, हमारे सहयोगी जिनका आशीर्वाद साथ मिला है। निवेदन होगा हमारे बड़ाम पंचायत के माननीय मुखिया महोदय से अंग वस्त्र प्रदान करें, श्री प्रकाश तिर्की जी का स्वागत करें। इस मुकाबले में ये तीसरा गोल करने की चाहत में रांची क्लब रांची एफसी, ऐसा लगता है मानो शेर के दांत में जब गोल लग जाती है ना तो शेर और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है। ऑलरेडी दो गोल कर चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत ही कम समय अब इस मैच को समाप्त होने के लिए, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच यहां पे एक लंबा शॉट लिया है, क्या यहां पे मौका बनेगा? रेफरी की विसल ने इस गाइड का शॉट, यहां पे अच्छा ब्लॉक किया गया। जूनियर बैक पास किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, दो जीरो की बढ़त अभी भी इस मुकाबले में। अब निश्चित रूप से रांची के लिए रांची एफसी की टीम एक ड्राइविंग सीट पे मौजूद है। अब यहां पे फुटबॉल की टीम को अटैक करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। फुटबॉल की टीम को अब पूरी जान लगा के अटैक करना पड़ेगा बचे हुए कुछ समय में, कुछ अच्छे नतीजे अगर निकालने हैं। अब डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलने का समय लगभग समाप्त हो चुका है। बचे हुए समय में आप जितना अटैक करेंगे उतना ही बेहतर। अच्छा तालमेल यहां पे, दीपक के पास मौका है क्रॉस, इस बीच हिट करने का मौका, क्या मैच में पहला गोल देखने को मिल सकता है क्या? और यहां पे चलिए एक उम्मीद की किरण नजर आ, और इसी के साथ चलिए पहले प्रयास में इन्होंने रोक लिया था लाखों, लेकिन अपने दूसरे प्रयास में बचा नहीं पाए। और ये अमित का शॉट गोल में बदलने के बाद गोल देखने को मिल पाएगा। आपको जितने भी समय है यहां पे अपने खेल में गति लेकर आने की जरूरत, जब तक सांस बची है तब तक आस बची है अभी भी उम्मीद की किरण, क्योंकि मैच जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप जीते हुए रहते हैं। ओटेगा गेंद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, यहां पे तीसरा लेकिन वो डायरेक्शन दे नहीं पाए। दीपक अपने साथी खिलाड़ी के लिए राइट फ्लैंक से आगे बढ़ाने का प्रयास था, एक लंबा शॉट यहां पे जूनियर के द्वारा, और निश्चित रूप से गोल दागने के बाद अब लेजेंड एफसी होटबार की टीम अपने खेल में सुबह है बोलता तो सुबह
बुध चाहिए था नहीं बोला।